टीआरटी मुसलमानों का जैसा कि आप लोगों को पता है कि स्वीडन में उसने रेसमुस पलूडिन उसका नाम है पलूडान या पलूड, फार राइट विंग का वाइट एक्सट्रीमिस्ट एक आ, आ, फार राइट विंग का वो एक्टिविस्ट है जो सिर्फ अच्छा कई लोग कई हमारे हिंदू लोग उसको बड़ा हीरो मानते हैं वो वो सारे कालों को पसंद नहीं करता यानी नॉन गोरों को पसंद नहीं करता और देखिए तुम भी रगड़े जाओगे एनीवे <laughs> anyway, तो उसने उसने कुरान कुरान जलाया और कहा मैं आप कुरान को हर जलाता इसके ऊपर भी एक बड़ी मजे की रिपोर्ट छापी, से जमा कराई जो का है। अब उसके पीछे इसको, कुरान को जलाने का सबसे ज्यादा फायदा किसको हुआ किसको पुटिन को क्यों जैसे कुरान जलाया उन्होंने तुर्की की एम्बेसी के सामने अर्दोगान ने स्टेटमेंट दे दी कि स्वीडन भूल जाए कि हम इसकी नेटो में मेंबरशिप डालेंगे तो फायदा जो हुआ किसको हुआ सबसे ज्यादा पुटिन को तो पुटिन को इन्होंने मुसलमानों ने अपना अबू बनाया हुआ जस्ट बिकॉज उसकी अमेरिका से दुश्मनी है हालांकि जिस अमेरिका और पुटिन इनको पुटिन जब प्यो बन गया ना पुटिन पेल देना सबको और जिस तरह से पुटिन धमाके करता है एनी वे फिर जाएगी बात एनी तो इन्होंने फिनलैंड ने कह दिया कि हाँ हम आ जाएंगे लेकिन हम स्वीडन के बगैर नहीं आएंगे। तो ये लेना चाहता है तो तुर्की ने बहरल ऑफिशियली कॉज ये दिया कि इन्होंने कुरान चलाया इसलिए हम इनको पहल देंगे हालांकि मुल्क ऐसे फैसले नहीं करते होते उसके पीछे और वजुहत होती हैं उसके पीछे

उन्होंने स्वीडन ने तोरा को जलाने की इजाजत नहीं दी इसराइल की एम्बेसी के सामने ये खबर छापी बेशर्मी से जो कि सब खबर है है असल क्या? असल खबर खबर क्या ये है कि मुसलमान बंदा जिसने जलाना था कुरान उसने खुद कहा कि उसको तोरा जलाने की इजाजत तो मिल गई लेकिन जो मुसलमान है जो मुस्लिम एल्डर्स हैं उन्होंने रिक्वेस्ट की कि भाई आप तोरा को मत जलाएं क्योंकि हम भी तोरा से प्यार करते हैं तो ये जूश टाइम ने भी खबर छापी जेरूसलम टाइम ने भी खबर छापी और एक और अखबार था उसने भी छापी वो मेरे पास सामने इस वक्त नहीं है तो एनी तो मैन आइडेंटिफाइड चौंतीस साल के मोमिन इजिप्शियन ने कहा कि उसको स्वीडन से अप्रूवल मिल गया था तो इसमें कोई हिपोक्रेसी नहीं है लेकिन जो आ, आ, जो इनके ज्यूश और मुस्लिम क्लर्जी जो उनके मौलवी हैं दोनों के उन्होंने कहा कि भाई प्लीज ये काम मत करो ये काम गलत हो जाएगा ये चीज अच्छी नहीं है और ज्यूश ने ये भी कह दिया तो स्वीडन की मुनाफत नहीं इसमें हुई इसमें मुसलमानों की प्रॉब्लम हुई और मुसलमानों ने जाहिर बात एक मैसेज भी भेजना था कि हम इसकी फेवर में नहीं है हालांकि मिर्जा गुलाम का देने की किताब होना तो होना जला दो <laughs> ये अगर यहूदी तोरा को या बाइबल को नहीं जला सकते तो वो इंटरफेस हार्मनी की वजह से नहीं करते वो इस वजह से नहीं करते क्योंकि वो इनके भी नबी हैं ये वजह है। तो ये प्रोपेगेंडा इस तरह चलाते हैं ये लोग और इनको कोई पकड़ने वाला नहीं कोई शर्म है नहीं टी आर टी को मैंने ट्वीट भी डाली कि जवाब देना ये जो आपने झूठी खबर छापी है लेकिन कोई पता नहीं उसको लोगों ने चला दिया हाँ जी स्वीडन मुनाफिक मुनाफिक पंगड़े पाओ जी हाँ जी झूठे हैं सारे रहते फिर भी उधर ही मुनाफिक इनकी बहुत शुक्रिया सर थैंक यू मेरे इस नक काम को तो जारी रखने के लिए मुझे पेपैल या पेटीएम पे जरूर सपोर्ट कीजिए ताकि मैं अपना पैगाम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुँचा सकूँ